नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड हेयर वी आर इन द ऑनगोइंग सीरीज ऑन कॉमन एरर्स एंड हेयर इन दिस वीडियो वी हैव टेकन सेमी वीकली और बाई वीकली। वॉट डू दे रिफर टू एंड वॉट इज देयर बेसिक डिफरेंस। पहले बात करते हैं बाई वीकली। बाई वीकली बेसिकली और ओरिजिनली रिफर्स टू एवरी टू वीक्स, समथिंग अकर्स आफ्टर टू वीक्स। इन वन सेंस इट अकर्स वंस इन 15 डेज, यानी फोर्टनाइटली। इसको आप फोर्टनाइटली भी आप कह सकते हो, यानी कि दो हफ्ते बाद चीज़ों का होना, वो बाई वीकली कहते हैं उसको। बट इन मॉडर्न सेंस इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्वाइस अ वीक, यानी हफ्ते में दो बार, या एवरी टू वीक्स। द मीटिंग इज हेल्ड एवरी टू वीक्स, यानी द मीटिंग इज हेल्ड बाई वीकली। और द इशू ऑफ दिस मैगजीन इज ब्रॉट आउट बाई वीकली। अब बाई वीकली कॉन्टेक्चुअल हो जाती है चीज। इट कैन रिफर टू ट्वाइस अ वीक मीन्स दिस इशू ऑफ द मैगजीन इज ब्रॉट आउट ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में दो बार आती है। और इट कैन ऑल्सो रिफर टू वंस अ फोर्टनाइट, हर दो हफ्ते बाद आती है। सो इट इज एक्सपोज टू टू डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस। अब बात करते हैं सेमी वीकली। सेमी वीकली इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू ट्वाइस अ वीक, मीन्स समथिंग दैट अकर्स, समथिंग दैट हैपन्स टू टाइम्स इन अ वीक, जो हफ्ते में दो बार हो वो सेमी वीकली हो। जस्ट लाइक द न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड सेमी वीकली। सो सेमी वीकली इज मोर होलसम देन बाई वीकली इन द टर्म्स ऑफ और टू मीन ट्वाइस अ वीक। अगर आपको ट्वाइस अ वीक का सेंस देना है सो प्रेफर सेमी वीकली rather than bi-weekly, because bi-weekly can also refer to twice every two weeks. तो वहाँ पे confusion एक हो सकता है। Similarly bi-monthly और semi-monthly, semi-monthly का वही जैसे कि semi-weekly, पूरे महीने में दो बार, twice a month, occurring every 15 days, महीने में दो बार होना, हर 15 दिन में एक बार होना। The journal is published bi-monthly. अब bi-monthly की फिर दो interpretation हो सकती हैं, हर दो महीने बाद या महीने में दो बार। लेकिन सेमी मंथली विल गिव यू द एग्जैक्ट मीनिंग, दैट इज इट इज पब्लिश्ड ट्वाइस अ मंथ, एक महीने में दो बार। इनसे सिमिलर और आपको अगर एनुअल की बात करते हो तो बाई एनुअल, सेमी एनुअल और बाई एनुअल और पर एनुअल, देर आर फोर मोर वर्ड्स एज वेल। बाई एनुअल की बात करते हैं तो इट मीन्स ट्वाइस अ ईयर, एवरी सिक्स मंथ, हर छः महीने में होना या फिर साल में दो बार होना, बाई एनुअल। इसी से सिमिलर है बाई एनुअल। बाई एनुअल रिफर्स टू एवरी टू ईयर्स, समथिंग दैट अकर्स बाई एनुअल। इट मीन्स इट अकर्स और इट हैपन्स और इट इज पब्लिश्ड और इट इज ब्रॉट आउट आफ्टर टू ईयर्स। Just like this prize is given biannual, it would mean this prize is given every two years, हर दो साल बाद में, हर दो साल में ये prize दिया जाता है। On the other hand, if we say this prize is given biannual, so it is given twice a year. और इन सबसे similar है perennial. Perennial is an adjective और उसका clear meaning होता है something that lasts very long. How long? We don't have any specified number of years. कितने साल तक कोई पता नहीं। So something occurs or something that stays in your mind, something that gives you an impact for a long time. So उसको आप perennial कह सकते हो। His perennial distrust of the media is reflected in his writings. तो क्या कहना चाह रहा है वो? He has unlimited time. He has distrust in media that is for long time. How long? It is unspecified. So anything that is perennial lasts very long or lasts for several years. तो जहाँ पे number of years specified ना हो वो क्या होता है? Perennial. या जिसका impact बहुत लंबे time तक होता है, particularly years में, तो वो perennial. Biennial जो कि हर दो साल में होती है, और बाई एनुअल जो कि साल में दो बार होती है, यानी सेमी एनुअल, उसको आप सेमी एनुअल भी कह सकते हो, लेकिन सेमी एनुअल उतना प्रेफर नहीं किया जाता जितना कि बाई एनुअल। सो द कन्फ्यूजन मे लाई इन बाई एनुअल एंड बाई एनुअल। बाई एनुअल साल में दो बार, बाई एनुअल
हर दो साल बाद. थैंक यू. सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस एंड नाउ यू कैन यूज देम क्लियरली और यू कैन आइडेंटिफाई देयर यूज क्लियरली. एंड इफ दिस वीडियो हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली क्लियर योर डाउट्स, सो लाइक इट, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.